हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पेपी किड्स। और आज हम करने वाले डॉल्स क्रिएशन। इसमें हम डॉल्स के साथ बहुत सारी क्रिएटिविटीज करेंगे, डॉल के बेड्स बनाएंगे, डॉल की ड्रेसेस बनाएंगे और अलग अलग तरह की चीजें, एक्सपेंसिव वाली और वो भी घर के वेस्ट सामान से, उन्हें हम रीयूज करेंगे। तो क्रिएशन नंबर वन स्टार्ट करते। क्रिएशन नंबर वन पे हमें चाहिए बस ये सॉक्स, और सॉक्स की काटेंगे हम टिप। तो चलिए काटते हैं। तो हमने टिप काट दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों साइड से स्लिपिंग ही है। और अब आप सोच रहे होंगे हमने उसका टिप तो काट दिया, लेकिन अब उसकी स्लीव्स कैसे बनाएंगे। तो स्लीव्स के लिए अगर आप कैंची से करोगे तो स्लीव्स ज्यादा चौड़ी हो सकती है, तो हम बस यूज करेंगे पेन। तो चलिए पेन से शुरू करते हैं। और अब हमने पेन से भी क्रिएटी कर ली है। तो अब हम करने वाले हैं कुछ एक्सपेरिमेंट। अब हमारे पास है एक डॉल। अब इस डॉल को पहनाएंगे हम ये ड्रेस। थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि ऊन है, बहुत लेट होगा। तो गाइस आप देख ही रहे होंगे ये कैसे अच्छे से बना रही है, पहना रही है, और ये डॉल की ड्रेस 100% सक्सेसफुल है। प्लीज आप इसे प्रॉपरली और अच्छे से देखिएगा। देखिए इसका गला भी बनाया हुआ है इसने। गले के लिए भी हमने जैसे स्लीव्स के लिए किया था, बस टॉप पे पेन घुसानी थी। तो गला भी सही शेप का होना चाहिए जितना बड़ा आपके डॉल का है। तो अब हम चलिए पीछे से इसको कस देंगे। तो हमने बस इसे सीव किया है, और सीव करने से ये ड्रेस थोड़ी ऐसी लग रही है। सीव करने के बाद हमने इस पे एक रबर बैंड लगा दिया है। और अब आप सोच रहे होंगे किस तरह से आपको ड्रेस लग रही है, ये एक नाइटी टाइप की लग रही होगी। उसके लिए हमारे पास है एक प्लास्टिक रबर। हमें ऑलवेज प्लास्टिक रबर यूज करने होंगे ताकि ये पता ना चले। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या है ये क्रिएशन। क्या ये कोई पागल बनती है या एक सपना या फिर एक हकीकत। तो चलिए देखते हैं। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो एक मिनट, एक तरह से ये ब्यूटीफुल नहीं लग रही। तो चलिए हम इसको ब्यूटीफुल बनाते हैं। अब हमने इसको पूरी तरह से ब्यूटीफुल बना दिया क्योंकि इसके बाल खराब थे बहुत। तो गाइस हमने इसके प्रॉपर ब्यूटीफुल बना ही दिया है हमने इसे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्रिएशन नंबर टू। हम अपने क्रिएशन नंबर टू पे यूज करने वाले हैं एक पुरानी ग्लव। तो ये देख सकते हैं आप, ये ग्लव है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इसके ये जो पार्ट्स है उसके टिप्स, और ये आप कोई भी टू फिंगर्स काट सकते हो, और उसके नीचे के टिप्स काटना बहुत जरूरी है। चलिए काटते हैं। तो गाइस हमने इसे काट दिया, कितना छोटा सा प्यारा सा लग रहा है। अब बस आपको अपनी डॉल चाहिए। अब आपको ये जो आपने स्लीव काटी है उसे आपको ऐसे उल्टा करना है, और इनके बाजू इनके हाथ। तो गाइस आपको लग रहा होगा कि ये हमने पैंट्स बनाई है, बट इट इज नॉट। हम एक ऐसी डॉल की ड्रेस बनाने वाले हैं जो फुल स्लीव्स हो। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। और ये फुल स्लीव्स है और ये पता भी नहीं चलेगा। सो चलिए देखते हैं। अभी थोड़ी खटारा लग रही होगी आपको, पर अब हम इसके ऊपर से पहनाने वाले हैं इसे ये ब्यूटीफुल सी छोटी ड्रेस। चलिए पहना है। तो गाइस देखिए,
अब हमने बस क्या किया, आपको पता ही है, हमने ग्लव्स की टिप्स काटी, उसे स्लीव्स के तौर पर पहनाया और उसके बाद एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस ऊपर से। और ये कितनी क्यूट लग रही है, फुल स्लीव्स के साथ क्यूट भी लग सकती है और कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रिएशन नंबर 3। क्रिएशन नंबर 3 पे हमने बस क्या किया है, आपको दिख ही रहा होगा, ये हमारे पास कुछ वुड के पीसेस थे तो हमने उसे ऐसे स्क्वायर में किया और उसके बाद उन्हें अच्छे से जोड़ दिया। अब हमें करना क्या है, बस इसे हमें अच्छी तरह डेकोरेट और बहुत अच्छा बना। तो गाइस ले लिया हमने कपड़ा, अब हमें बस सिंपल सा है, हमें बस इस कपड़े को यहाँ इस वुड पीस पे इस तरह से लगाना है सुंदर से। और आपने देखा होगा काफी लोग इसे एक स्टेपलर से पिन करते हैं, हम भी वही करने आ रहे हैं, चलिए करें। तो हमने इसे अच्छी तरह स्टेपलर पिन कर दिया है, अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग। अब हम इसे बस ट्राई करने वाले, जस्ट ट्राई। देखियो गाइस, देखो ये सूर्य, और ये टॉपिक था हमारा बेड पर, कि हमारा ये बेड है। और चलिए गाइस हम अपना लास्ट क्रिएशन शुरू कर, जो कि है क्रिएशन नंबर 4। और हमारा क्रिएशन नंबर 4 का टॉपिक है स्ट्रेटनर, डॉल स्ट्रेटनर्स। और बस डॉल स्ट्रेटनर के लिए आपको बस चाहिए दो गुड फोक्स एंड थोड़ा दिमाग और कला। देखिए हमें इन दो फोक्स को इस तरह लेकर एक दूसरे के अंदर घुसाना है टाइटली। तो गाइस ये कितना, मतलब ये क्या लग रहा है, वी टाइप का, और आपका वी टाइप का ही बनना चाहिए गाइस, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, किस डॉल पे करें, चलिए ये डॉल सही है। और उसके पहले हम आपको एक चीज तो बताना भूल ही गए, हम मिलते हैं कुछ डेकोरेशंस के बाद। अब हमने इन्हें पूरी तरह डेकोरेट कर दिया है, अब आप देख सकते हैं। तो आप जानना चाहेंगे कि इससे कैसे स्ट्रेट हुए डॉल्स के बाद, अगर आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है तो आप देख लीजिए इस डॉल के बाद, और अभी कुछ देर बाद अजूबा देखिएगा। वाओ ये ज्यादा स्ट्रेट नहीं होंगे क्योंकि ये तो बस डॉल के हेयर से, वाओ ये तो हो गए, वाओ बस एक झटके में, बस ये तो रियल काम कर गया और बेड भी। तो गाइस हमारा आज का वीडियो यही तक था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे और मजेदार और क्रिएटिव वीडियो लाएं। और गाइस इसे आपको 20,000 लाइक तक पहुंचाना है, और हम आते हैं एवरी सैटरडे एंड संडे अब से। तो बाय।